सो हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ DFD सीरीज के एक और न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोरो गोरो नो मी यानी कि रंबल रंबल फ्रूट के बारे में। इस वीडियो में हम इस फ्रूट की पावर्स एंड एबिलिटीज एंड इसके साथ इसकी वीकनेस पर भी बात करेंगे। सो गाइस, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, एडिटर लेट्स रोल द इंट्रो। गोरो गोरो नो मी एक रंबल रंबल फ्रूट एक लॉजिया टाइप डेविल फ्रूट है जो अपने यूजर को लाइटनिंग ह्यूमन बनने की पावर्स एंड एबिलिटीज देता है, जिससे यूजर को लाइटनिंग को क्रिएट कंट्रोल और उसमें ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी मिलती है अपने विल पे। अकॉर्डिंग टू निको रॉबिन, गोरो गोरो नो मी इनविंसिबल डेविल फ्रूट की कैटेगरी में आता है। इस फ्रूट को गॉड इनल यानी कि एनरू ने खाया था और गोरो गोरो को रंबलिंग ऑफ थंडर भी कहा जाता है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ये फ्रूट एक इनविंसिबल कैटेगरी में आता है। इसी से आइडिया लगा लो इस फ्रूट की पावर्स एंड एबिलिटीज क्या ही होंगी। गोरो गोरो नो मी का यूज करके यूजर अपनी बॉडी से वेरिएबल अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को डिस्चार्ज कर सकता है जो भी वो चाहे जब भी वो चाहे, इंक्लूडिंग रेगुलेशन ऑफ वोल्टेज 200 मिलियन वोल्ट्स बीइंग द मैक्सिमम आउटपुट। सिंपल शब्दों में बोलूं तो आपने बिजली कड़कते हुए देखा होगा। सेम एनरू भी इस फ्रूट की पावर से नेचुरल लाइटनिंग को क्रिएट कर सकता है। इवन फॉर ए लॉजिया ये एबिलिटी काफी ज्यादा पावरफुल है। आप खुद सोच के देखो लाइटनिंग कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर होती है। विद निको रॉबिन स्टेटिंग अमंग द मेनी एग्जिस्टिंग डेविल फ्रूट्स, गोरो गोरो नो मी ही एक ऐसा डेविल फ्रूट है दैट बोस्ट इनविंसिबिलिटी। बाकी लॉजिया टाइप की तरह गोरो गोरो नो मी का यूजर भी फिजिकली अपने एलिमेंट्स में मॉर्फ कर सकता है, जिससे उसे किसी भी फिजिकल अटैक से डैमेज कर पाना इम्पॉसिबल है एक्सेप्ट हाकी। हाकी और सी स्टोन्स को छोड़ के किसी भी तरह का फिजिकल अटैक का इस फ्रूट के यूजर को कोई हार्म नहीं कर सकता। इसके साथ यूजर खुद को पूरी तरह लाइटनिंग में ट्रांसफॉर्म करके लाइट की स्पीड से ट्रैवल भी कर सकता है, जो उसको एक और एडवांटेज देती है। इससे यूजर किसी भी अटैक को डॉज कर सकता है और किसी भी टारगेट को ओवरटेक कर सकता है। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और यूजर तुम्हारी गांड मार के चला जाएगा। ये पावर मुझे भी चाहिए। ये सेम किजारू के लाइट फ्रूट की तरह ही है। जैसा हमने किजारू के साथ देखा है, किजारू वन पीस के वर्ल्ड में वन ऑफ द फास्टेस्ट कैरेक्टर है स्पीड के मामले में। ऑन टॉप ऑफ दैट, अ यूजर ऑफ गोरो गोरो नो मी कैन इमर्ज देयर लाइटनिंग सेल विद कंडक्टिव मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल मेटल्स लाइक गोल्ड। इसके साथ ही वो अपने हार्ट को रिस्टार्ट भी कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, जिससे कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक टाइप की बीमारी से उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। मतलब डॉक्टर जाए गांड मराने में खुद को ठीक कर लेता। गोरो गोरो नो मी का यूजर सच में बहुत पावरफुल कैरेक्टर बन जाता है, क्योंकि यार अब इस लेवल पर पावर आ जाए बंदा आंखों में देखते ही अगले ओपोनेंट को शॉक दे के मार देगा, और ज्यादा वोल्ट्स इलेक्ट्रिक शॉक के दे दिए तो ओपोनेंट खड़े खड़े भस्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, क्लोज रेंज के साथ साथ एनरू लॉन्ग रेंज के अटैक्स को भी कर सकता है, और वो इतने पावरफुल अटैक्स होते हैं कि एक पूरा का पूरा एरिया ही खत्म हो जाता था। जस्ट लाइक बिजली गिरती थी कहीं, तो आपने देखा होगा बड़े बड़े पेड़ तक गिर जाते थे और जहां भी बिजली गिरती है वो एरिया लगभग खत्म ही हो जाता है। इसके साथ ही गोरो गोरो नो मी का यूजर थंडर क्लैप्स टाइप के अटैक भी कर सकता है बाय सुपर हीटिंग द एयर अराउंड देम टू मेक इट एक्सपैंड एट द स्पीड ऑफ साउंड। हमने एनमे में देखा था कि एनरू नेचुरल के साथ साथ अननेचुरल थंडर क्लाउड्स अटैक भी यूज कर सकता है, लेकिन ये चीज वो आर्टिफिशियली करता है जो कि उसने अपने फ्लाइंग आग की हेल्प से बनाए हो, जिसमें वो पूरे स्काइपिया को कवर कर लेता है एंड अपनी लाइटनिंग का यूज करके नेचुरल थंडर क्लाउड की पावर्स को भी बूस्ट कर सकता है, जिससे उनकी रेंज और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं। एनमे में हम ये चीज देख भी चुके हैं, अगर लूफी ना होता तो पूरा स्काइपिया वहीं खत्म हो जाता उस अटैक से। इसके साथ ही गोरो गोरो नो मी के यूजर की लाइटनिंग एबिलिटीज और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं हीट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का यूज करके। जैसे कि गॉड एनरू ने की थी, गोल्ड को अपनी इलेक्ट्रिक पावर का यूज करके उसे पिघला दिया था, अब वो उसके साथ साथ उसको रीशेप भी कर सकता है। जैसा हमने एनमे में देखा था कि कैसे उसने लूफी के एक हाथ को बड़े से गोल्ड में फंसा दिया था। इसके साथ ही जो मुझे सबसे ज्यादा सही एबिलिटी लगती है गोरो गोरो नो मी के यूजर की, वो ये है कि यूजर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रीड कर सकता है, जिसका यूज करके एनरू किसी की भी सुन सकता है, जिसको वो मंत्र कहते हैं। बाद में हमें एनमे में पता चलता है कि इसे केनमुन शुकु हाकी कहते हैं। एंड आप इसी से अंदाजा लगा लो कि आखिर गॉड एनरू का नाम क्यों दिया था इस कैरेक्टर को ओडा सेंसेई ने। यहाँ पे एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि एनरू ने कभी भी हाकी को प्रैक्टिस ही नहीं किया, वो एक्चुअली में अपने फ्रूट की वजह से केनमुन शुकु हाकी को पजेस करता है, वो भी अनलिमिटेड लेवल्स पे। अगर एनरू अपने रियल वर्ल्ड में आ जाए तो ही विल टेक्निकली बी दी पीक ऑफ बीइंग ए हैकर, क्योंकि वो इस दुनिया के सारे इन्फॉर्मेशन को इजिली रीड कर सकता है, क्योंकि जितने भी हमारी नेटवर्किंग होती है वो सब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होती है। सो बेसिकली वो पॉन देख सकता है जो कि आप अपने फोन पे स्ट्रीम कर रहे हो भी आपसे पहले। एनरू के पास एक कांस्टेंट रेडियर लाइक अवेयरनेस होती है अपने आसपास हो रही चीजों की, वो भी बहुत बड़े स्केल पे, जिससे वो किसी भी एग्जैक्ट लोकेशन एक्शन और कॉन्वर्सेशन को सेंस कर पाता था, वो भी किसी भी टाइम जब वो चाहे। खैर बहुत हो गई गोरो गोरो नो मी के पावर्स की बातें, अब बात करते हैं इसके वीकनेस के बारे में। कहने को ये फ्रूट इनविंसिबल लेवल फ्रूट है, पर जैसा कि गीता में बताया गया है प्रॉब्लम और इम्पॉसिबल जैसी चीज होती नहीं है, और अगर होती भी है तो जैसे ही वो एग्जिस्टेंस में आती है उसके साथ ही उसका सॉल्यूशन भी एग्जिस्टेंस में आ जाता है, भले वो नेचुरल हो या अननेचुरल। वीकनेस की बात करी जाए तो ये फ्रूट एक्सट्रीमली पावर
पावरफुल होने के बाद भी गोरो गोरोनोमी की एबिलिटी के पास एक बहुत ही बड़ा यूनिक वीकनेस है जिसको हम रबर के नाम से जानते हैं, जो कि एक्चुअली में एक नेचुरल इंसुलेटर है इलेक्ट्रिसिटी का। इसी वजह से यूजर ऑफ गोमो गोमोनोमी एक नेचुरल एनिमी बन जाता है और काउंटर हो जाता है गोरो गोरोनोमी के यूजर का, क्योंकि रबर ह्यूमन की बॉडी पूरी तरह से रबर की बनी होती है। तो अब क्योंकि हम वीकनेस की बात कर रहे हैं तो इसके नाम के आगे गॉड नहीं लगाएंगे। एनरू की एक ही वीकनेस है, मंकी डी लूफी। हमने एनिमे में भी देखा था कि 100 से 200 मिलियन वोल्ट्स वाले अटैक का भी लूफी पे कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि वो रबर का बना है। 200 मिलियन वोल्ट मतलब इतना होता है कि किसी इंसान की हड्डियां तक नहीं दिखेंगी। इसके साथ बात करें लूफी के अटैक्स की, तो हाँ, लूफी के अटैक एनरू को डैमेज कर पा रहे थे। अब ये चीज बाकी के एनिमे कैरेक्टर्स के साथ पॉसिबल है या नहीं, ये तो हमें आगे जाके ही पता चलेगा जब एनरू दोबारा एंट्री लेगा, और मुझे लगता है वो जरूर आएगा, क्योंकि ओडा सेंसे अपने इतने पावरफुल कैरेक्टर और इतने पावरफुल डेविल फ्रूट को ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ देंगे। शायद हम फ्यूचर में एनरू को दोबारा से देखें और वो शायद लूफी के रबर वाली एबिलिटीज का भी तोड़ निकाल चुका हो। खैर, अब बात की जाए नामी की, तो वो भी एनरू के अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर पा रही थी अपने किलिमा टैक्ट एबिलिटीज का यूज करके, बट इसको हम प्योर वीकनेस नहीं कह सकते। ऑल्दो एनरू ने ये चीज क्लेम किया था कि अगर एनरू ने अपना वोल्टेज बढ़ा लिया होता तो नामी ऐसा कुछ नहीं कर पाती। नाउ जैसा कि अब निको रॉबिन ने बताया कि ये फ्रूट इनविंसिबल डेविल फ्रूट है, तो इस चीज को देखते हुए सिर्फ लूफी का ही डेविल फ्रूट है जो कि गोरो गोरोनोमी के यूजर को काउंटर कर सकता है। यूजेस, जब एनरू गॉड ऑफ स्काइपिया के पोजीशन पे था, जो भी उसके अगेंस्ट जाता था या उसके लॉ को डिफाइड करता था या फिर उसके बारे में कुछ खराब बोलता था, एनरू ये कर पाता था अपने हाई लेवल मंत्र और माइंड रीडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज करके। सिंपल शब्दों में कहूं तो एनरू गोरो गोरोनोमी का यूज करके पूरे स्काइपिया पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे, सिंपल शब्दों में बोलूं तो एनरू गोरो गोरोनोमी का यूज करके पूरे स्काइपिया पे ईएम वेव्स की हेल्प से नजर रखता था। जो भी उसके बारे में कोई गलत बात बोलता था, जैसे कि अगर कोई कूप करने की कोशिश कर रहा है या कोई साजिश चल रही है, तो एनरू उनकी गांड फाड़ने के लिए एक एल्थोर नाम का अटैक क्रिएट करता था जिसे वो गॉड की तरफ से पनिशमेंट देना कहता था। लाइक वो खुद को ही गॉड बोलता था और जो भी उसकी बात नहीं मानता था वो उसको पनिशमेंट के तौर पे मौत देता था। अनदर नॉन कॉम्बेटिव यूज ऑफ एक और काफी इंटरेस्टिंग एबिलिटी है जो कि वो फाइट में यूज नहीं करता था, और वो था कि वो अपने फ्लाइंग शिप यानी कि द मैक्सिम को कंट्रोल करना। जी हाँ, मैं उसी उड़ने वाले शिप की बात कर रहा हूँ जिसे वन पीस के वर्ल्ड में इस तरह से डिजाइन किया गया था ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को मेन सोर्स बना के उड़ पाए। बात की जाए शिप की, तो शिप शेंडोरियन रुइंस के गोल्ड से बनी थी जिसको एनरू अपने गोरो गोरोनोमी के फ्रूट की एबिलिटी से चलने लायक बनाता है, बिकॉज एनरू वॉन्ट्स टू अचीव हिज गोल्स ऑफ रीचिंग फेरी वेर्थ यानी कि द मून। जब भी एनरू फेस टू फेस कॉम्बैट में आता है सबकी बुद्धि घूम जाती थी इसकी पावर्स को देख के। हम एक्सेप्ट वाइपर, लूफी को छोड़ के वाइपर ही एक ऐसा बंदा था पूरे स्काइपिया में जिसने एनरू को डैमेज किया था, वो भी सी स्टोन की मदद से। एनरू का डेविल फ्रूट उसे इतना फास्ट मूव करने की एबिलिटी देता है जिससे वो अपोनेंट के ब्लाइंड स्पॉट पे जाके अटैक कर पाता था, जिससे अपोनेंट को कोई भी आइडिया नहीं लगता था कि उसके साथ क्या हुआ। अगर समहाउ किसी ने एनरू को इतना स्टॉप अटैक कर भी दिया कि एनरू को इतना स्ट्रॉन्ग डैमेज दे भी दिया कि उसका दिल चलना बंद हो जाए, तो भी वो खुद को कार्डियक अरेस्ट से वापस लेके आ सकता अपनी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। एनरू के मोस्ट ऑफ द मूव्स उसके हाई वोल्टेज वाले अटैक्स होते हैं जिससे वो काफी हाई अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट एक ही बार में दूसरों के बॉडीज में पास करता था जिससे वो नॉकआउट हो जाते थे और वो पूरी तरह से जल जाते थे। हमने एनरू के जितने भी अटैक देखे हैं वो इतने पावरफुल थे जिसपे भी वो अटैक करता था वो इंस्टेंटली डिफीट हो जाते थे। एनरू के ज्यादातर अटैक एक एनिमल टाइप शेप बनाते थे जो वो अपने पीछे लगे ड्रम्स पे अपने गोल्ड टाइप वेपन को मार के क्रिएट करता था। लूफी के रबर टाइप बॉडी होने की वजह से एनरू का कोई भी अटैक उस पर कोई असर नहीं करता था, इसीलिए एनरू अपने हाथ में अपने गोल्डन वेपन को इलेक्ट्रिसिटी पास करके बार बार रीशेप करता है एक ट्राइडेंट में। इसीलिए एनरू अपने हाथ में रखे वेपन को गोल्ड इलेक्ट्रिसिटी पास करके रीशेप करके एक ट्राइडेंट बनाता है जिससे वो लूफी को काटने और जलाने की एबिलिटी पा जाता है। एंड इसके बाद हमने एनरू को आर्क मैक्सिम का यूज करके थंडर क्लाउड बनाते हुए भी देखा था। इस आर्क मैक्सिम की वजह से एनरू काफी ज्यादा रेंज और स्केल पे अपनी लाइटनिंग टेक्निक्स का यूज कर पाता था जिससे वो काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव अटैक्स करता था। इनमें दो अटैक्स थे, एक का नाम था मामा रागन और दूसरा राइगो। ये अटैक्स इतने पावरफुल थे जो पूरे आइलैंड को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखते थे। गॉड एनरू के अल्टीमेट मूव की बात करूं तो इसमें वो अपनी पूरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकता था इनटू ए जायंट वर्जन ऑफ इटसेल्फ मेड ऑफ प्योर लाइटनिंग जिसको वो अमारू टेक्निक का नाम देता है, जिसमें वो गोरो गोरोनोमी फ्रूट के हाईएस्ट फॉर्म में जाके फ्रूट को मैक्स पावर पे यूज कर सकता है। ये चीज हमने एनिमे में भी देखी थी जो बहुत पावरफुल एबिलिटी थी इस फ्रूट की। एनरू की सारी टेक्निक्स थंडर और लाइटिंग पे बेस्ड है और ये रियल वर्ल्ड माइथोलॉजीज में डीटीज के नाम होते हैं। आपने एक्चुअली में नोटिस किया होगा कि ओडा सेंसे काफी सारे माइथोलॉजीज को इंक्लूड करते हैं वन पीस की मांगा में। इन्हीं लाइटनिंग वाले अटैक्स की वजह से उसे गॉड का स्टेटस दे दिया गया था। हाँ, वो बात अलग है कि एनरू खुद को एक सेल्फ प्रोक्लेम गॉड बोलता था। अगर एनरू सच में गॉड होता तो कोई 15-16 साल का लौंडा उसको पेल के थोड़ी ना चला जाता, लेकिन मेरा मानना ये है कि जो गॉड को हरा सकता है वो खुद भी गॉड होगा। एंड देन अगेन हमें वानो आग में पता चला कि लूफी के पास सन गॉड निका वाला डेविल फ्रूट है। दैट वाज इंटरेस्टिंग। तो बात करें एनरू के अटैक्स, ये चीज मैंने तब सोची थी जब मैं स्काइपिया देख रहा था और तब
मैंने बोला कि अगर एनरू एक गॉड और उसको लूफी ने हरा दिया तो इसका मतलब लूफी उससे ऊपर का गॉड हुआ ना। खैर एनरू के अटैक्स की बात करें तो एनरू अपने अटैक्स के नाम के आगे वोल्ट्स लगाता है जिससे उसके अटैक की पावर को समझाना थोड़ा आसान है, लाइक 30 मिलियन, 100 एंड 200 मिलियन। इसके बाद अगर हम बात करें एनरू के कुछ पावरफुल अटैक्स की तो वो है एल्थोर। एल्थोर लिटरली ट्रांसलेटेड एज गॉड्स जजमेंट, जिसमें वो अपने घर की चेयर पर बैठे बैठे किसी को भी स्वर्ग का रास्ता दिखा सकता है। ये अटैक्स एनरू स्काइपियंस पे करता था जो उसकी बात नहीं मानते थे और जो उसके बारे में कोई गलत विचार रखते थे। सिंपल शब्दों में कहूं तो तुम एनरू को गाली दोगे और थोड़ी देर में अपने गुर्दे और गांड लेके जन्नत में जाओगे। एनरू अपने एल्थोर वाले अटैक को बैटल में भी यूज करता है, इसमें वो इलेक्ट्रिसिटी अपने हाथों से एक सेम डायरेक्शन में मारता है जस्ट लाइक ए लेजर बीम। थॉर एक्चुअली में नॉर्स गॉड ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग है, ये सबको तो पता ही होगा। एल्थोर नेम का ये अटैक सेम पावर वाला अटैक है जो हमने मार्वल वाले थॉर को करते हुए देखा है, और हमने एनवे में पहली बार तब देखा था जब उसने अपर यार्ड में एक इंसान को लाइटनिंग से मार डाला था। इसके साथ ही एनरू वारी 1 मिलियन वोल्ट, 20 मिलियन वोल्ट एंड 100 मिलियन वोल्ट वाले अटैक करता है, और हाईएस्ट मैक्स 200 मिलियन वोल्ट अटैक करता है जो कि बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होते हैं। ये था स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन ऑफ वारी अटैक्स, जो कि हाईएस्ट पॉसिबल वोल्टेज है जो कि एनरू अपने पावर से क्रिएट कर सकता है। एनरू संगो नाम का भी एक पावरफुल अटैक यूज कर सकता है जिससे वो किसी को भी एक ही बार में फिनिश कर सकता है। इस अटैक को हमने तब देखा था जब एनरू ने अपर यार्ड के हाईएस्ट रुइंस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस अटैक का नाम भी एक गॉड पे रखा गया है। संगो एक्चुअली में वेस्ट अफ्रीकन का एक थंडर गॉड है जो कि योरुबा रिलीजन में पाया जाता है। ऐसे बहुत अटैक है जो गोरोगोरोनोमी फ्रूट की हेल्प से एनरू अपने ओपोनेंट पे करता है। मैं आपको दो सबसे मोस्ट पावरफुल अटैक के बारे में बताऊंगा जो सच में इतने पावरफुल थे कि उन्हें ओवरकम करना खुद लूफी के लिए मुश्किल था। राइगो लिटरली ट्रांसलेटेड एज थंडर वेलकम और ग्रीटिंग, वन ऑफ द एनरूज स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक्स। इसमें एनरू अपने शिप की मदद से एक थंडर क्लाउड बनाता है जो इतना बड़ा होता है, सेम लाइक लूफी के बजरंगन जितना बड़ा, और जिसमें तुम सोच भी नहीं सकते इतनी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी भरी पड़ी होती है। इसके बाद एनरू इसको जहां पर भी अटैक करना चाहता उस लोकेशन पे ले जाता है और वहीं पर गिरा देता है। जैसे तुम सोच लो कि पूरा स्काइपिया खत्म हो जाए, इतना पावरफुल अटैक है ये। हमें एनवे में दिखाया गया था जब एनरू ने एंजल आइलैंड पे अटैक किया था इस मूव का यूज करके, जिसे सब कुछ तबाह हो गया था। इसके बाद एनरू ने एक और राइगो अटैक करने का सोचा था, और ये सेकंड वाला तो इतना पावरफुल था सच में अगर लूफी बीच में नहीं आया होता तो स्काइपिया खत्म था, जस्ट लाइक गॉड वैली। हू नोस गॉड वैली खत्म हुआ भी है या नहीं हमें नहीं पता। लिटरली ट्रांसलेटेड एज 200 मिलियन वोल्ट्स थंडर गॉड, ये एनरू ने गोरोगोरोनोमी का यूज करके अभी तक का सबसे पावरफुल अटैक किया है। इसमें एनरू खुद को एक थंडर लाइटनिंग गॉड जैसी एबिलिटीज देता है जिसमें उसकी पूरी बॉडी का साइज बढ़ जाता है। इस फॉर्म में वो बड़े बड़े पावरफुल इमेंस बोल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को अपने हाथों से छोड़ सकता था, एंड इसके साथ ही अपने गोल्ड से बने ट्राइडेंट का भी यूज करता था जिससे कोई ऑब्जेक्ट हो, ह्यूमन या कोई भी चीज अगर उसे टच करे तो वो तुरंत ही जल के खत्म हो जाती थी। लेकिन इतना पावरफुल होते हुए भी एनरू लूफी को डैमेज नहीं कर पाया क्योंकि वो रबर का बना था, जिससे ये बात क्लियर हो जाती है आप कितने भी पावरफुल क्यों ना हो आपको मारा जा सकता है, अब चाहे वो आपका नेचुरल एनिमी हो या फिर अननेचुरल। वन पीस के वर्ल्ड में एक काफी सही बात है कि आपका डेवलफूट भले ही कितना पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन कोई ऐसा डेवलफूट भी होगा जो आपके डेवलफूट से ज्यादा पावरफुल होगा। ये हमने एस वर्सेस अकाइनू वाली फाइट में भी देखा था। खैर जो भी हो, एनरू को गोरोगोरोनोमी फ्रूट की पावर्स एंड एबिलिटीज का यूज करते हुए हमने देखा है, और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि गोरोगोरोनोमी एक बहुत ही पावरफुल इनविंसिबल डेवलफूट है जिसकी बस एक ही वीकनेस है जो कि है रबर। उसे हटा दिया जाए तो गॉड एनरू सच में गोरोगोरोनोमी का यूज करके एक गॉड लाइक कैरेक्टर बन जाता है। ओह गॉड से याद आया, एनरू को ये फ्रूट जब मिला था तब एनरू ने अपने होम टाउन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था और इसीलिए उसके अंदर एक गॉड कॉम्प्लेक्स डेवलप हो गया। एनरू खुद को आई एम ए गॉड बोलते हुए इंट्रोड्यूस करता है। एनरू के पीछे जो ड्रम्स बने हुए हैं जिनपे चार तोमोई बना हुआ है, ये एक्चुअली में इंस्पायर्ड है जापानीज थंडर गॉड राइजिन से। इस गॉड के सारे डिपिक्शंस में उनके पीछे ऐसे ही ड्रम्स बने हुए हैं जिनको वो पीट के साउंड ऑफ थंडर पैदा करते हैं। आपने देखा होगा कि जो पोज एनरू अपने जायंट फॉर्म में जाने के बाद करता है ठीक उसी से मिलता जुलता पोज लूफी भी करता है जब वो गियर फोर्थ वाले फॉर्म में जाता है। वैसे इन सारी चीजों को जानने के बाद अगर आपको लगता है कि लूफी की बॉडी किसी सिंपल रबर से बनी है तो आप बहुत गलत हो, क्योंकि इतने हाई इलेक्ट्रिसिटी पे इवन रबर भी पिघल जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि लूफी किसी नॉर्मल रबर से नहीं बना हुआ बल्कि उसकी बॉडी सुपर नेचुरल रबर से बनी हुई है। एंड ये चीज हमें बाद में चल के वानो आर्क में कंफर्म कर दी गई कि वो एक सन गॉड निका डेविल फ्रूट का यूजर है, ना कि नॉर्मल रबर फ्रूट का। अगर आप वन पीस की मैगजीन को पढ़ते हो तो उसके वॉल्यूम 11 में बोआ हैंकॉक को एनरू का डेविल फ्रूट यूज करते हुए दिखाया गया है, और वो भी उन्हीं सेम कपड़ों में जो कि एनरू पहनता है। अकॉर्डिंग टू ओडा सेंसे अगर नामी के पास कोई डेविल फ्रूट होता तो वो यही होता, यानी कि गोरोगोरोनोमी। इसकी वजह से वो एक इनविंसिबल वेदर लेडी बन जाती जिसको लूफी के अलावा और कोई नहीं रोक सकता था। वैसे गाइस 2 मिनट में आपका टाइम लेना चाहूंगा और आपको कुछ बताना चाहूंगा, इन वीडियोस को बनाने में एक्चुअली बहुत मेहनत लगती है। हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है हर दिन ताकि हम रोज कंटेंट अपलोड कर पाए वन पीस एंड अदर एनिमेस का। तो अगर आप हमारे हार्ड वर्क को सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको साइड में क्यूआर कोड दिखेगा एंड आप उस पे कोई भी अमाउंट डोनेट करके हमें काफी ज्यादा सपोर्ट कर सकते हो। अमाउंट मैटर नहीं करता, आपका सपोर्ट ज्यादा मैटर करता है। नाउ लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो। सो गाइस ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि मुझे इस डेविल फ्रूट के बारे में
में मिले। अगर आपको कुछ और पता है जेल फ्रूट के बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो गाइस, ये थी मेरी वीडियो ऑन डीएफडी ऑफ गोरोगोरोनोमी। आई होप आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर सभी को ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, नहीं अच्छी लगी तो भी लाइक कर देना। शेयर करिए इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो कि वन पीस के फैंस हैं, जो नहीं है उन्हें भी दिखाओ। कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको अगली डीएफडी वीडियो किस पर चाहिए। मैं सोच रहा हूं लव लव फ्रूट को एक्सप्लेन कर दूं। एंड डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और गजब के वन पीस एनिमे कंटेंट को एंजॉय कर पाएं। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।